हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताएंगे यूपी के आयुष काउंसलिंग के सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बारे में। काफ़ी सारे बच्चे सेकेंड राउंड के रिजल्ट देख चुके हैं, उनके अलॉटमेंट नहीं आई हैं और वो से सेटिस्फाइड भी नहीं है। क्या हुआ है दोस्तों ऐसा, जो कि दोस्तों यूपी के सेकेंड राउंड में कम नंबर वालों को अलॉटमेंट मिल रही है, ज़्यादा नंबर वालों को अलॉटमेंट नहीं आ रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानिए इस वीडियो में मेरे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले ही बताया था दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे यूपी के आयुष काउंसलिंग के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपका मिल जाएगा दोस्तों सेकेंड राउंड की ऑफिशियल, दोस्तों राउंड टू की अलॉटमेंट लिस्ट, जिन बच्चों को दोस्तों अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर इनका फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम चल रहा है, इसको दोस्तों बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। जिन बच्चों का कॉलेज अलॉट हुआ है दोस्तों, उनके पास अभी भी टाइम है, नोडल सेंटर पर जाके दोस्तों उनका रिपोर्ट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड टू की जो ऑफिशियली जो लिस्ट आई थी अलॉटमेंट की, उसमें काफ़ी सारे बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं उनके मार्क्स, और दोस्तों इनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको कॉलेज अलाउट नहीं हुआ है। अब उसके पीछे का कारण क्या है, सबसे पहले बात है दोस्तों उनकी चॉइस फिलिंग करना। काफ़ी सारे बच्चे चॉइस फिलिंग को अच्छी तरह से नहीं करते हैं, हल्के में ले लेते हैं, जिसके कारण उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि आपने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट ले लिया है, अब उसमें दोस्तों अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है, काफ़ी सारे बच्चों का अपग्रेड भी नहीं हुआ है। अब उसके पीछे का कारण ये है कि कट ऑफ हाई हो रही है सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड की, दोस्तों कट ऑफ हाई गई है। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को, जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था उसे अभी अपग्रेड होकर थर्ड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है, और उन्होंने सीट को लीव भी कर दिया था विलिंगनेस सबमिट करवाए बिना, फ्री एग्जिट लिया था, जिसके कारण अब वो परेशान हो रहे हैं कि सर अब आगे क्या करें, क्या मोपअप राउंड जो होना है उसमें क्या कट ऑफ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन जिन बच्चों का कॉलेज अलॉट हुआ है उनकी यहाँ पे रैंक भी लिख रखी है, और दोस्तों उनकी कैटेगरी भी लिख रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात आती है सर मोपअप राउंड की, क्या कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी जितने भी गवर्नमेंट सीट्स थी वो ऑलरेडी भर गई हैं। अब जो नई गवर्नमेंट सीट ऐड हुई है ऑल इंडिया कोटा में वो एक हुई है यूपी के अंदर। इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर क्या हमें इस बार कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे रैंक पे अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट हो रहे थे, 80,000 तक रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है बच्चों को, क्या इस बार मोपअप राउंड में हमें कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। बात यही है उनकी, वो जो कि जायज़ भी है यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं 60,000 रैंक तक आपके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलॉट होने लग गए हैं, जिसके कारण आपको पता लग जाएगा कि ये जो यूपी स्टेट की मेरिट लिस्ट है बहुत हाई गई है। अब बात आती है सर थर्ड राउंड का, क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चलते हैं। देखिए यूपी में जितनी सीट बची हैं उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ और जाएगी। इसके अलावा आप EEEC में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आप डायरेक्टली हमें DM कर दीजिएगा टेलीग्राम पे और दोस्तों इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे हम आपको आपकी बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बना के दे दीजिए और आपको कोई दिक्कत नहीं आए। डिटेल गाइडेंस के लिए दोस्तों ज़रूर 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 पेड काउंसलिंग में रजिस्टर करवाएं, जिसके कारण आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेज अलॉट हो सके आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर सारे अलॉटमेंट प्राइवेट कॉलेज के दिखा रहे हैं, जिसके 1,14,000 रैंक है, वो सारे अब बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में भी दोस्तों यूपी के अंदर बहुत कम सीट वैकेंट हुई है, होम्योपैथिक में भी दोस्तों आप भर भर के एडमिशन आ रहे हैं, यूनानी में भी आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक दोस्तों एडमिशन नहीं लिया है उनसे मैं ये बोल रहा हूँ बार बार, अभी तक आपने पेड काउंसलिंग अप्लाई नहीं किया है, पेड काउंसलिंग में अप्लाई कीजिए जाके, इसके कारण आपको डिटेल गाइडेंस मिल सके और आपका 1 साल व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना होए, आपकी 1 साल की जो मेहनत है वो ख़राब होने से अभी भी बच सकती है। आप पेड काउंसलिंग सेशन ले लीजिए, इसके कारण आपकी सीट्स को रोज के आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब बात आती है सर इसका थर्ड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड का शेड्यूल आपकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, अभी टाइम लेगा 10 से 15 दिन का। बाकी आपको कोई भी डाउट हो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कमेंट करके, और दोस्तों टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा, जिसके कारण आपको बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट मिल सके। ये था दोस्तों यूपी की आयुष काउंसलिंग के सेकेंड राउंड के रिजल्ट के बारे में। अगर आपको दोस्तों किसी और स्टेट के राउंड के रिजल्ट के बारे में पूछना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपने EEEC में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। किसी बच्चे को प्रेफरेंस लिस्ट ना तो इतना दिक्कत आ रही है, तो दोस्तों अभी भी आपके पास लास्ट चांस बाकी है कि हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारी गाइडेंस को ले लीजिए, इसके कारण आपकी सीट्स क्योर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।